प्लीज प्ले करिए। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। वैभव जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री, वो प्रधानमंत्री आपके नहीं, भार्गव जी के नहीं, निगम जी के नहीं, ठाकुर जी के नहीं, हम सबके प्रधानमंत्री जी हैं। तो इसलिए मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि देश में इतना बड़ा बवाल हो रहा है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं? मुझे नहीं लगता है कि उसमें प्रधानमंत्री को बिल्कुल भी दखल अंदाजी करने की बात है। पार्टी का मसला है, सरकार का नहीं, तो पहले तो ये देख लिया जाए। और आप थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएंगे, और कभी भी फ्लैशबैक में जाइए, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कभी भी कुछ भी कहा तो हमारे देश ने सर माथे पर लिया, चाहे वो नोटबंदी हो, जीएसटी हो, या फिर कोरोना काल में ताली और थाली बजाना हो, दिया बजाना हो। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि देश में जो इस वक्त माहौल चल रहा है, अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री अपील करें कि इस माहौल को यही खत्म किया जाए, तो क्या उसका असर होगा या नहीं होगा? मैंने इसलिए यह सवाल किया वैभव जी, प्लीज कंटिन्यू। देखिए तिलक भाई, जलते हैं परवाने क्षमा पर, देश बदलता है उन परवानों के जलने पर। रहकर कार्य सुनिश्चित, क्या देश के प्रधानमंत्री जी की अपील पर हमने ताली थाली बजाई कि नहीं बजाई? मैं इतना चाह रहा हूं बस। हमने सब कुछ किया ना देश के प्रधानमंत्री जी के लिए। वो कहते हैं इस तरह से, नोटबंदी की तो उसके बाद लाइन में खड़े हो गए, जीएसटी की बात कही तब भी ताली और थाली भी बजाई, कोरोना काल में पूरा देश खड़ा हो गया। तो क्या देश के प्रधानमंत्री अपील करेंगे कि ये हालात और ये सब कुछ बंद हो, सरकार असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? मैं इतना जानना चाहूंगा। सारे एडमिन मोदी इतने बढ़िया प्रवक्ता हैं, इतने बढ़िया प्रखर वक्ता हैं, और अब उनकी आवाज सुनने को तत्पर रहते हैं सब, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि हर मुद्दे पर आके वो बोलेंगे। आपने कहा कि देश के प्रधानमंत्री को इस पर नहीं बोलना चाहिए। मेरे मन में उत्सुकता हुई, मैं देश के प्रधानमंत्री की टाइमलाइन चेक करूं, ट्विटर टाइमलाइन मैंने चेक की, मैं दिखाता हूं आपको, प्लीज प्ले करिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो ट्वीट्स किए वो आपके सामने हैं। खिलाड़ियों का प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए, किसानों का, उन्होंने कहा कि हमने फसलों के, खरीफ फसलों के दाम बढ़ाए हैं, वो भी बताया उन्होंने एमएसपी के बारे में, और तमाम स्टार्टअप योजना के बारे में भी उन्होंने बताया। उनके ट्वीट्स हैं, ये कुछ घंटों पहले के ट्वीट्स हैं जो मैंने देखना चाहा कि हो सकता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ट्विटर पर कोई सलाह दी हो या फिर इस तरह का आगाह किया हो कि आप इस तरह की चर्चाएं बंद करिए। मुझे नहीं दिखाई दिया। अब वैभव जी, फिर मेरे जहन में आया कि मैं अगला एक और पॉइंट आया कि क्यों ना हमारे देश के जो गृह मंत्री हैं नंबर टू, उन्होंने कुछ, क्योंकि यह मसला बहुत गंभीर हो गया, तो मुझे लगा कि शायद हो सकता है कि उन्होंने लोगों को सलाह दी हो या फिर अपने प्रवक्ताओं को, अपने प्रवक्ता मतलब बीजेपी के प्रवक्ताओं को। फिर मैंने उनकी टाइमलाइन चेक की, प्लीज अमित शाह जी की टाइमलाइन प्ले करिए। मैंने देखा कि उन्होंने एक के बाद एक आज कई ट्वीट्स किए, लेकिन कहीं भी उस घटना का जिक्र नहीं था, क्योंकि गृहमंत्री है तो उम्मीद थी कि मुझे कि शायद देश के माहौल को लेकर उन्होंने अपनी बात की हो, लेकिन मुझे कहीं भी कोई ऐसा सलाह, चेतावनी या ट्वीट नहीं दिखाई दिया जिसको लेकर यह माना जाए कि सीधे तौर पर उस घटना से जो देश आहत है उस पर उन्होंने अपनी बात रखी हो। ये मैंने तो पहले ही अपनी ओपनिंग लाइन में बोला, ये सरकारी काम थोड़ी है, अमित भाई क्यों करेंगे या नरेंद्र भाई क्यों करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हाँ, जेपी नड्डा जी पार्टी का, पार्टी से रिलेटेड काम है तो जेपी नड्डा जी के पास अपनी एक टीम है जो इसको प्रखर रूप से इसको पूरा टीम के ऊपर ही तो सवाल खड़े हो रहे हैं सर। इसके अंदर इतना हल्ला करने की कोई बात ही नहीं है। ये नड्डा जी का ट्वीट देखिए सर, आप जो नड्डा जी की बात कर रहे थे आप, मैंने नड्डा जी का ट्विटर भी देखा, आज का ही है, ये आज के उनके ट्वीट्स हैं, कुछ वक्त पहले के ट्वीट्स हैं। 8 ईयर ऑफ सेवा इसका जिक्र है, और इसके साथ साथ उन्होंने जो जनता के बीच में गए पार्टी के कार्यकर्ताओं को, और देश के प्रधानमंत्री जी के ट्वीट को उन्होंने रीट्वीट किया, सब कुछ है उनके ट्विटर आईडी पर, ट्विटर हैंडल पर। लेकिन वो भी अपील नहीं कर रहे, वो अपने कार्यकर्ताओं या फिर नेताओं को या फिर प्रवक्ताओं को भी ये नहीं कह रहे कि भाई आप ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए। प्लीज वैभव जी,
अरे तो पब्लिक में क्यों करेंगे तिलक भाई, पब्लिक में नहीं करेंगे, कोई ये कोई कोई पब्लिक में क्यों करेंगे, परिवार का मसला है, अंदर का मसला है, अंदर का मसला कैसे है, परिवार का मसला कैसे है, मसला देश का आ गया, आप ही ने कहा था देश नहीं झुकने दूंगा, मैं इसलिए बात कह रहा हूँ, देश देश के मसला जहाँ पे है उस पे जिस देश की सरकार ने हमें पॉइंट किया है उस देश को मुंह तोड़ जवाब दिया गया है भारत सरकार की ओर से, मुंह तोड़ जवाब दिया गया, खत्म हो गया, इसमें राजनीति थोड़ी है। अब मैं एक और ट्वीट आपको दिखाता हूँ, मुझे वो पूरी उम्मीद थी कि शायद वो इस पर कोई रिएक्ट करेंगे, क्योंकि उनके नाम पर कई है कई ठाकुर जी कई आप डालेंगे विवादित बयान तो उनका नंबर लिस्ट में सबसे पहले आएगा, मेरे को लगा कि शायद वो नुपुर का जिस तरह का विवाद खड़ा हुआ नुपुर शर्मा को लेकर उन्होंने जरूर अपनी राय रखी होगी, फिर मैंने उनके ट्विटर हैंडल चेक किया, और प्लीज प्ले करिए, उनके ट्विटर हैंडल पर कुछ नहीं दिखाई दिया, ये ट्विटर हैंडल था गिरिराज सिंह का, माने गिरिराज सिंह जी का मंत्री हैं, और उनके ट्विटर हैंडल्स पर जो मैंने देखा उन्होंने ट्वीट्स को रिट्वीट किया हुआ है, अमित शाह जी के जितने भी ट्वीट्स थे गृहमंत्री जी के उन्होंने उनको ट्वीट किया और बाकायदा सरकारी योजनाओं के बारे में ही अपनी बात को रखा, सरकारी योजनाओं के बारे में, क्योंकि वो सरकार का हिस्सा है, जी पार्लियामेंट है, जी जी बिल्कुल, तब वो सरकार का हिस्सा नहीं होते जब वो कहते हैं कि तब मुसलमानों को वापस चला जाना चाहिए था जब ये बंटवारा हुआ, तब भी तो वो सरकार का हिस्सा थे कि नहीं, अरे उनकी इच्छा है, मैं उनके उनके बिहाफ पे आपको क्लैरिटी कैसे दे दूं, आप पूछ लो गिरिराज जी को फोन करके, आपके पास नंबर नहीं है, मैं दे देता हूं, अंग्रेजी 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 में कहते हैं तो इट इज नन ऑफ माय बिजनेस, ओके 159 अगर पार्टी की तरफ से इजाजत मिलती है तो लड़ सकते हैं, ये नूपुर जी खुद एक वकील है, मैंने कहा था नूपुर शर्मा का केस आप लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, वैभव जी लड़ेंगे ना, मैं लड़ सकता हूँ ना, अगर आपको मौका मिले तो आप कहेंगे ना मैं लड़ता हूँ इस केस को, वैभव जी अगर वो चाहेंगी तो खड़े हो सकते हैं, ओके ओके आई एम अ प्रोफेशनल आल्सो, मैं जान रहा हूँ प्रोफेशनल,